अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी देखने और सुनने वालों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक आला अमरीकी कमांडर ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में ईरानी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हो चुकी हैं, जिससे वहाँ तैनात अमरीकी फ़ौज को बहुत बड़ा ख़तरा है। नाज़रीन, ये इंटरव्यू जब से CIA का जहाज़ गिरा है अफ़गानिस्तान में, उसके बाद आया है। और फ्रैंक मैकेंजी ने यह बात भी कही है कि ईरानी ईमा पर मुदाखलत का एक परेशान कुन रुझान रोनुमा हुआ है। मैकेंजी ने कहा है कि ईरान हमेशा से अफ़गानिस्तान में कोई ना कोई शरारत करता आया है, लेकिन अब वो अपने तुफैलियों के ज़रिए, मतलब कि जो उसके साथी अफ़गानिस्तान में लड़ रहे हैं उनके ज़रिए, अमरीका और अमरीका के इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ मौका तलाश करता रहता है। प्रॉक्सी लड़ाई, प्रॉक्सी वॉर के ख़दशा से मुतल्लक सवाल पर उन्होंने कहा कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें इसके बारे में शदीद तशवीश लाहक है।